अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, सबसे पहले ये खबर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। हमारे आलिम दीन मुफ्ती सलमान अजहरी, जो हमारी दिलो जान है और सुन्नियत की भी जान है, मैंने उनके बारे में एक वीडियो 12 रबीउल से पहले अपलोड किया था कि जुलूस में अगर निकले तो उनकी तस्वीर लेकर निकले। इतनी बड़ी खबर, मेरी तो खुशी का कोई आलम नहीं है। आप ये खबर सबसे पहले सुनिए। नूर एन साहिर साहब कहते हैं, जाने कितने बेकसूरों को सजाएं मिल रही, जाने कितने बेकसूरों को सजाएं मिल रही, झूठ लगता है तुम्हें तो जेल जाकर देख लो, झूठ लगता है तुम्हें तो जेल जाकर देख लो। ये काफी मशहूर शेर है और आज हम आपको एक ऐसी खबर देने वाले हैं शायद आपको, जिसका बेसब्री से इंतजार था। सोशल मीडिया पर यह खबर अब सामने आने लगी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा कर दिया गया है। जी हाँ, आप तमाम लोग जानते हैं मुसलसल लगभग पिछले 10 महीने से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल में बंद थे। गुजरात के अलग अलग जेल में शुरुआती वक्त में उन्हें कैद किया गया, बाद में आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से उनके ऊपर गुजरात का प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया और उन्हें जेल में कैद कर दिया गया। लगातार वो न्यायालय के चक्कर काटते रहे, गुजरात हाईकोर्ट में मुसलसल तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें रिहाई नहीं मिली, लेकिन उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में 4 हियरिंग के बाद जो है आज ये खबर सामने आ रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मामला जो है वो खत्म कर दिया गया है। जब मैंने इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट चेक करने की कोशिश की तो वहां पर सीधे तौर पर मुफ्ती सलमान अजहरी का जो मामला है वो अब डिस्पोज कर दिया गया है, यानी कि खत्म कर दिया गया है, जिसको लेकर के मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की टीम और उनके जो लोग भी हैं वो लोग अदालत पहुंचे थे। ये एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा कर दिया गया है और आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि देर शाम तक मुफ्ती सलमान अजहरी जो है उन्हें गुजरात के बड़ोदरा जेल में कैद किया गया हुआ है, वहां से निकाल दिया जाएगा और वो जेल से रिहा हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर, मुसलसल मैं आपको लगभग 10 महीने से जब से उनके ऊपर जो है पहला केस हुआ था तब से मैं मुसलसल आपको इस पूरे मामले की तमाम जानकारी दे रहा था। आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो प्रयास हमारे तरफ से भी की जा रही थी, हम भी जो अब तक कह सकता है कनेक्टेड थे, वो कनेक्टिविटी जो बनी हुई थी वो आज उस पर एक बहुत बड़ा जो कह सकता है वो विराम लग रहा है। हालांकि हम इस पूरे मामले को लेकर के आगे भी आपको तमाम जानकारी देते रहेंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। अब 2 सवालात हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। पहला ये कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी को बेल मिली है, दूसरा ये कि क्या उनके ऊपर से प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट हटा दिया गया है, यानी कि जो पासा उनके ऊपर लगाया गया था क्या वो खत्म कर दिया गया है। देखिए अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है इसको लेकर के जो पूरी तरीके से संपूर्ण जानकारी जो ऑर्डर डिटेल है वो हमारे सामने नहीं आया है। जब तक वो नहीं सामने आता है तब तक इस बात का खंडन कर देना कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा है ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये बात तय है कि उनका जो मामला है वो डिस्पोज कर दिया गया है और अगर अब आने वाले वक्त में कोई भी कह सकता है रुकावटें नहीं आती है तो कुछ घंटों के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी जेल से रिहा होंगे। उसके बाद वो कहां जाएंगे इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं है, चाहे वो मुंबई जाएंगे या फिर कर्नाटक जाएंगे, केरल जाएंगे, कहां जाएंगे इसको लेकर कोई भी जानकारी जो है वो नहीं है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन होते होते ये बात कही जा सकती है कि देर शाम हो सकती है मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई में, उनको जेल से निकलने में। तो ये बहुत बड़ी खबर है। हम आपको बता दें सोशल मीडिया पर अभी हजारों पोस्ट जो है वो मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के सामने आ गई है। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, गली न्यूज से बातचीत करते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के एक वकील है गालिबन, जिनका नाम अफताब अंसारी बताया जा रहा है, जैसा गली न्यूज ने दावा किया उनके मुताबिक ये बात कही गई है। उनके वकील ने ये कहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी जो पिछले 10 महीने से जेल में कैद थे उनके ऊपर जो 3 केसेस हैं, जो जूनागढ़ में, जो कच्छ में, जो मोडासा में केसेस हैं, वहां से उन्हें बेल मिल गई थी, वो केसेस अभी चल रहे हैं, उसको आगे जो है वो कह सकता है देखा जाएगा लॉ के हिसाब से क्या कुछ बातें सामने आएगी आगे कब वो केस खत्म होगा। लेकिन जो उनके ऊपर पासा लगा हुआ था उसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रद्द कर दिया है। जी हाँ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के बड़ी खबर जो सामने आ रही है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि एडवोकेट अफताब अंसारी ने गली न्यूज से बात करते हुए कहा गुजरात सरकार के पास एक्ट के खिलाफ पिटीशन फाइल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, यानी कि सिर्फ बेल के लिए फाइलिंग नहीं की गई थी, जैसा कि इस पोस्ट के मुताबिक मैं बता रहा हूं, बाकी मैं डिटेल वीडियो शाम तक जब और डिटेल आ जाता है तो बता दूंगा। गुजरात सरकार के पासा एक्ट के खिलाफ पिटीशन फाइल की गई थी। जी हाँ, पिटीशन किसके फाइल, कि भैया गुजरात सरकार ने जो पासा इंपोज किया था उसके खिलाफ और उसे जो है वो रद्द कर दिया गया है और सीधे तौर पर मामला जो है वो डिस्पोज बताया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर से प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट खत्म कर दिया गया। ये आज की सबसे बड़ी खबर, जुमा के दिन ये एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। हम आपको इस पूरे मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर जो और बातें की जा रही है उसको बता दें। देखिए, गुजरात सरकार के पास एक्ट के खिलाफ पिटीशन फाइल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है, शाम तक रिहाई की उम्मीद की जा रही है। मुबारक भाइयों, आज जुमे के दिन की खुशखबरी, 10 महीने के बाद शेर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल गई है। इम्तियाज पठान, जो आप जानते हैं इम्तियाज पठान को, सामाजिक कार्यकर्ता है, इनका ताल्लुक गुजरात से है,
इस केस में इनका भी एक कहा सकता है, आपने नाम देखा होगा पूर्व में जब चर्चाएं हुई थी, जब हमने इनको पूरी डिटेलिंग बताई थी आपको, तो इनका भी जिक्र हो रहा था। इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उन्हें 10 महीने से पास एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, वडोदरा जेल की जेल में रखा गया था। मुफ्ती साहब आज वडोदरा जेल से रिहा होंगे, इसीलिए हमने आपको शुरू में ही नूर इंसाहिर साहब का वो शेर सुनाया कि जाने कितने बेकसूरों को सजाएं मिल रही, जाने कितने बेकसूरों को सजाएं मिल रही, झूठ लगता है तुम्हें तो जेल जाकर देख लो, झूठ लगता है तुम्हें तो जेल जाकर देख लो। ये एक बड़ी खबर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में। अब बहुत ही कम लम्हों में उम्मीद की जा रही है कि मुफ्ती साहब को जो है वो रिहा कर दिया जाए। देखिए ये आरयूएफसी छत्तीसगढ़ ने ट्वीट करते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह 18/10/2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर लगे पास एक्ट को हटा दिया है, जल्दी ही मुफ्ती साहब को रिहा कर दिया जाएगा। जी हां, तौकीर अहमद मिसबाही भी लिखते हैं बिग ब्रेकिंग, और उन्होंने भी यह जानकारी दी है कि आपके लिए खबर है जनाब, एडवोकेट नावे साहब कौंसिल इन सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने जो है ये खबर साझा किया है, जल्द मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है वो जेल से बाहर होंगे इंशाल्लाह। तो ये बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर जो है वो आ गई है। आपको बताते चले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया गया है। जी हां, ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। आप तमाम लोग जो लोग बहुत ही बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहे थे, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप तमाम लोगों की दुआएं जो है वो काम आई। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा कर दिए गए हैं। आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू से अंत तक आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े रहे। हम एक न्यूज चैनल पर आप तमाम लोगों को मुफ्ती साहब का पूरा मामला जो है शुरू से अंत तक दिखाते रहे। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आने वाले वक्त में तमाम अपडेट्स में हिस्सेदार बनते रहेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम स्टेट से रिलेटेड और भी बहुत अहम जानकारी जो है साझा करेंगे, और शाम तक आपको बताएंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले पर क्या कुछ खबरें सामने आई है।